अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम खपलू छोगा में मौजूद हैं। यहाँ पर दरिया पार करने के लिए अहलिया ने छोगा ने जो देसी जुगाड़ बनाया है वो हम आपको पूरी तफसील से बताते हैं ये काम कैसे करते हैं। ये छोगा वाले खपलू में स्कूल या दफ्तर में आने के लिए गाड़ियाँ यहाँ पे छोड़ के दरिया पार करने के लिए ये राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। दरिया पार करके ड्यूटी देते हैं, शाम को वापस आके फिर इसी जगह से गाड़ियाँ लेके अपने घरों को जाते हैं। यहाँ पर पुली सिस्टम है और पुली के साथ रस्सी बांधा हुआ है। पहले ज़माने में यहाँ पर भेड़ बकरियों के खाल में जिस तरह मशकेज़ा होता है उस तरह इस्तेमाल होता था फूंक मार के। उसके बाद ट्यूब इस्तेमाल हुआ। अब इन्होंने एक नया जुगाड़ ये लगाया है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं PVC के ड्रम हैं जिसमें आयल वगैरह आते हैं और वो इसमें इस्तेमाल किया है इन्होंने ट्यूब की जगह पर, क्योंकि ट्यूब का बार बार पंचर होना उसका चांस ज़्यादा था पंचर होने का। तो इन्होंने यहाँ पर देसी ड्रम का ढकना बिल्कुल क्लो बंद करके एयर टाइट करके उसको यूज़ किया है बड़ी तादाद में। तो इस पे चढ़ के ये लोग दरिया पार करके खपलू में जाते हैं, तो वहाँ से सामान वगैरह इसी पे लाद के लोग वो वापस लेके आते हैं। गर्मियों में जब ज़्यादा पानी हो तो इसको उतार लेते हैं, फिर सर्दियों में दोबारा लगाते हैं। तो आज हमारे कुछ मेहमान आए थे गिलगित से, हम उनको यहाँ पर घुमाने लाया है, तो उनको यहाँ पर देसी राफ्टिंग का भी हम थोड़ा उनको इन्जॉय करा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि रस्सी एक साइड को हम एक सिरा खींचेंगे तो ये जख आपको लेके दूसरी तरफ चला जाएगा। पुल्ली सिस्टम होने की वजह से यहाँ पे आपको लोड जो है वो कम से कम आपको वहाँ पे फोर्स देना पड़ता है। तो आज मौसम की अगर बात करें तो खपलू में मौसम बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ़ सुथरा मौसम है यहाँ पर। बिल्कुल जो बैकग्राउंड में आप खपलू का पूरा शहर आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे इस वक्त खजां का मौसम चल रहा है, तो ये बिल्कुल गोल्डन कलर के आपके जितने भी दरख्त हैं, पहाड़ों पे थोड़ी सी बर्फ़बारी है और सूरज भी फुल अपने जोबन पे है आज। तो ये तरीक़ाकार है, लोग इस पे जाते हैं, वहाँ पे जाके खपलू में काम काज करके आते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा है। अगर जो लोग आटम टूरिज़म के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं खजां को देखने के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त खपलू में मौसम है। बहुत शुक्रिया।